हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे, पूरक कोण, संपूरक कोण और संलग्न कोण। दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। सो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट एंगल होता क्या है, पूरक कोण, संपूरक कोण और संलग्न कोण क्या होता है। सो इसका पहले डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, पूरक कोण किसे बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन द मेजर्स आ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जब दो कोणों का मान 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री हो या अप टू 90 डिग्री हो, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। The two angles are complementary when its measure, जब दोनों का measure हम करेंगे, which will be equal to 90 degree, that's called complementary angle. Okay? So complementary angle देखते हैं हम लोग कि इसका हम लोग draw करके मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि complementary angle क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एक ले लीजिए यहाँ पे इस टाइप से, फिफ्टी डिग्री एंड 40 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, जब इन दोनों का हम योग करेंगे यानी दोनों को हम प्लस करेंगे, तो मेरा कितना निकलता है हम देखेंगे। 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री दैट इज वन राइट एंगल। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यानी पूरक कोण होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मेरा वैल्यू है वो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, सो जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, व्हेन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री और पूरक कोण। ठीक है, अब तो इस टाइप से भी इसका ड्राइंग हो सकता है। एक और होता है, क्योंकि इनमें एक्चुअली में दे डू नॉट हैव टू बी टुगेदर। इनका ये कोई जरूरी नहीं कि इनका जो वर्टेक्स है यानी कि इनका जो शीर्ष बिंदु हो है वो एक ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि एक को और इसका मैं आप लोगों को ड्राइंग करके बताती हूँ। जैसे सपोज दिस वन इज 27 डिग्री एंड दिस वन इज 63 डिग्री। अब इन ये क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण है, हम इसे देखते हैं कैसे। 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या पूरक कोण है, क्योंकि इनका दोनों का मान कितना आया, मेरा वैल्यू कितना है, 90 डिग्री आया, इसलिए यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और लेकिन इनका क्या है, ये शीर्ष बिंदु अलग अलग है यानी इनका वर्टेक्स जो है वो दोनों का अलग अलग है। They do not have the angles do not have to be together. ये दोनों एक साथ रहना इनका जरूरी नहीं है कि ये एक साथ रहे। पिछले जो मैंने फर्स्ट वाला जो ये बताया इसमें एक साथ था यानी इनका वर्टेक्स एक था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वर्टेक्स अलग अलग हो गया है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, जब दो कोणों का मान 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। द टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर मेजर्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, नाउ सप्लीमेंट्री हम देखते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण. द टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री व्हेन देयर मेजर्स एड अप टू 180 डिग्री. यानी जब दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण. ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को एक ये ड्रॉ करके बता रही हूँ. ये मेरा 140 डिग्री हुआ और ये लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बस ऐसे ही बताया है, ये मेरा 140 और ये मेरा 40 डिग्री. और देखिए हम इसको हम ऐड करते हैं, 40 प्लस 140 दैट इज 180. यानी यह एक सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है, क्योंकि इसका जो वैल्यू आया वो 180 डिग्री आया. सो द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन देयर मेजर्स आर इक्वल टू 180 डिग्री. जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कोण बोलते हैं. दे डू नॉट हैव टू बी टूगेदर. ओके, इनका मतलब कि ये जो वर्टेक्स है ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साथ हो. जैसे एक इस टाइप से भी हो सकता है, ये सपोज 60 डिग्री है एंड दिस वन इज 120 डिग्री. देखिए हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, 60 प्लस 120 दैट इज 180 आया मेरा. इसका मतलब ये एक संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है. ठीक है, इसमें दोनों का ये वर्टेक्स इसमें एक था लेकिन इसमें क्या है, वर्टेक्स अलग अलग हो गया है. सो दे डू नॉट हैव टू बी टूगेदर, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, अब हम लोग चलते हैं एडजेसेंट एंगल्स पे. व्हाट इज एडजेसेंट एंगल या संलग्न कोण किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? संलग्न कोण होता है जब दो कोणों का एक ही कॉमन साइड यानी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक ही उसकी शीर्ष बिंदु हो, उसे हम संलग्न कोण बोलते हैं या एडजेसेंट एंगल. The two angles are adjacent when they have a common side, and a common vertex. Okay? जैसे यहाँ पे हम like for example A, B, C, D. यहाँ देखिए suppose this one is 22 degree and this one is 39 degree. अब यहाँ पे आप लोग देखो इसमें क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है, ये जिसे इसे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी. क्यों? क्योंकि बहुत ये एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि इसके एक यहाँ कॉमन साइड है और एक ही इसका वर्टेक्स है. ओके, द एंगल्स एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड, एक कॉमन साइड यानी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक शीर्ष बिंदु हो, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ओके, अपर पॉइंट इज दिस वन इज वर्टेक्स, तो इसे हम लोग संलग्न कोण बोलते हैं. अच्छा ये देखो आप लोग इसे बताओ क्या ये संलग्न कोण होगा. इस टाइप से यदि रहे क्या ये संलग्न कोण या एडजेसेंट एंगल हो सकता है? क्या हम इसे वर्टेक्स इसे एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका एक तो कॉमन साइड है लेकिन इसका कॉमन ये कॉमन साइड तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं. यानी इसका एक उभयनिष्ठ भुजा तो है लेकिन इसका एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष बिंदु नहीं है, इसका अलग है, इसका अलग है. यानी कि यह एक एडजेसेंट एंगल नहीं है. ओके,
और यह एक एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6.1, लेट्स डू आवर सेल्फ। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर वन है कि कौन सा जोड़ा संपूरक कोण बनाता है, इसे हम इसमें से खोज के हमें बनाना है। इसमें से कौन सा जोड़ा संपूरक कोण बनाता है, ठीक है। विच पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ पे दिया हुआ है 10 एंड क्वेश्चन नंबर वन का जो फर्स्ट वाला है 10 डिग्री एंड 170 डिग्री। अब हम इसे ऐड करके देखते हैं कि क्या ये सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण है कि नहीं है। हम देखते हैं 10 प्लस 170 दैट इज 180। सो क्या है ये? यह एक सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि यह एक संपूरक कोण है, ठीक है। ये समझ में आ गया। नाउ सेकेंड 38 डिग्री एंड 52 डिग्री। 38 डिग्री एंड 52 दैट इज अब इसे हम ऐड करते हैं 38 प्लस 52 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। क्या यह एक सप्लीमेंट्री एंगल है? नहीं, यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब यह एक पूरक कोण है। 90 डिग्री है इसलिए यह एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है 35 डिग्री एंड 65 डिग्री। ऐड करते हैं हम इसे 35 प्लस 65 इक्वल टू 100 डिग्री आया। क्या यह 100 डिग्री सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? नहीं, क्योंकि यह इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री और नॉट इक्वल टू 80 डिग्री। ना ही ये 180 हुआ और ना ही 90 हुआ, तो इसलिए यह एक ना ही यह संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है, ना ही यह एक पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यह नहीं है। ओके, नेक्स्ट 90 डिग्री 90 प्लस 90 दैट इज 180। यस, इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री संपूरक कोण है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एड आया 180 डिग्री हुआ। नेक्स्ट है 25 प्लस 165 इक्वल्स टू 190 डिग्री विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो जब यह 180 डिग्री के इक्वल नहीं है तो यह एक ना ही सप्लीमेंट्री एंगल है और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ना ही संपूरक कोण है ना ही पूरक कोण है। सो यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री 45 प्लस 45 सॉरी यहाँ पे कॉमा है 45 प्लस 45 दैट इज 90 डिग्री। सो यह क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि यह एक पूरक कोण है, ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कौन कौन से सप्लीमेंट्री और कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछा है। तो मेरा वन है, ये है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं है, फोर्थ है, और बस दो ही है इसमें से सप्लीमेंट्री, बाकी दो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर यहाँ पे
सप्लीमेंट्री एंगल है यानी कौन सा जोड़ा संपूरक कोण बनाता है, तो सिर्फ दो ही बना रहे हैं, 10 170 एंड 90 90। ओके, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। मैं बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे इनकरेज कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। थैंक यू। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।